हेलो फ्रेंड्स, सुबह की टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडे का भजिया। मैंने दो अंडे लिए हैं और इसे मैं उबाल ली हूँ। अब हम इसे छीलेंगे। छीलने के लिए मैं साइड में रख देती हूँ, तब तक हम बना लेते हैं पेस्ट। इसके पेस्ट बनाने के लिए मैंने लिया है बेसन, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और आमचूर पाउडर। आप चाहें तो धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, और एक चुटकी हम उसमें डालेंगे खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर। आइए बनाते हैं इसका घोल। सबसे पहले मैं बेसन लूंगी, छोटे चम्मच से 4 चम्मच मैं बेसन लूंगी। बेसन में साथ ही हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। कलर के लिए हल्का सा हल्दी पाउडर और हल्का तीखा करने के लिए लाल मिर्च पाउडर और हल्का खट्टा लाने के लिए आमचूर पाउडर 1/2 चम्मच। इसमें हम डालेंगे एक चुटकी बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा, ये हमने डाल दिया। अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गाढ़ा रखना है, पतला पेस्ट नहीं बनाना है हमें, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट बनाएंगे। ऐसा पेस्ट बनाएंगे कि एक भी बबल्स नहीं होना चाहिए इसमें, गांठ नहीं होना चाहिए बेसन में। अच्छी तरह से फेंट लेंगे इसे। देखिए घोल तैयार है अच्छी तरह से। अब हम अंडे को अच्छे से छील लेते हैं। देखिए अंडा छिल चुका है, अब हम इसे बीच से ऐसे काट लेंगे। इस तरह से काट के आधा आधा करके रख देंगे। दोनों ही अंडे को इसी तरह काट लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इस तरह से अंडे को उठा के बेसन में लपेट लेते हैं और उठा के तेल में डाल देते हैं। इसी तरह इसे भी बना लेते हैं और अच्छे से ब्राउन होते तक तल लेंगे। देखिए अच्छी तरह से तल चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अंडा भजिया बनाना बहुत ही आसान है और यह बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा घर पे और बताइएगा कि कैसा लगा। इसी तरह मैं और भी अंडा भजिया बना लेती हूँ। देखिए अंडा भजिया बन के तैयार हो गया है, बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है। अब हम इसमें हल्का सा चाट मसाला डाल लेते हैं और इसे खाइए। बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही सिंपल है। आप घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही जल्दी बनता है। धन्यवाद।